अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं आई प्लेनेट। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप नए करेंसी नोट हासिल कर सकते हैं इस ईद पे। नए करेंसी नोट इशू होंगे 20 मई 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक। आपको इसके लिए खाली एक मैसेज करना होगा 8877 पे। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। नंबर वन, आपको मैसेज ओपन करना होगा अपने मोबाइल के अंदर, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ये क्रिएट मैसेज करना होगा, नया मैसेज ओपन करना होगा टाइप करने के लिए। थर्ड स्टेप में आपको अपना CNIC नंबर डालना होगा 13 डिजिट का। उसके बाद एक सिंगल स्पेस देना होगा। उसके बाद टाइप करना होगा ब्रांच कोड, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, 1 से लेकर 13 तक नंबर 13 नंबर का आपको नंबर आ गया CNIC नंबर। उसके बाद सिंगल स्पेस दिया और फिर कोड लिख दिया। किसी जो भी आपका ब्रांच कोड होगा वो EDs आ जाएगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अटैच कर देंगे। अभी फिलहाल अभी तक नहीं आई है। फोर्थ स्टेप में आप इसको SMS सेंड कर देंगे 8877 पे। फिर फाइव नंबर पे आपको जब जैसे आप SMS सेंड करेंगे, कुछ से कुछ देर बाद आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसके अंदर आपका ट्रांजेक्शन कोड होगा। वो कोड जो जनरेट होगा आपका SMS करने के बाद, उसका आपका ब्रांच एड्रेस होगा। जो भी आप ब्रांच कोड डालेंगे उसका एड्रेस आपको SMS के जरिए हासिल होगा। उस ब्रांच से आपको करेंसी मिलेगी, नए करेंसी नोट मिलेंगे। और ट्रांजेक्शन पीरियड डेट होगी आपकी, जैसे कि इस डेट से डेट तक आप बैंक विजिट करें और अपने नोट हासिल कर लें। छठे स्टेप में आपको उस ब्रांच में जाना होगा, आपको अपना ओरिजिनल CNIC लेके जाना होगा। उसके साथ आपको एक कॉपी भी लेके जानी होगी CNIC की, और उनको ट्रांजेक्शन कोड शो करेंगे, वो आपको नए करेंसी नोट दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। आप डू सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर अस इफ़ यू लाइक अवर वीडियो।